रिस्क का जो ताल्लुक है बेसिकली वो एक्चुअली है किस चीज़ के साथ के जो जितनी एफर्ट करेगा तो वो पाएगा वो अजर पाएगा या हम कह लें कि वो माल पाएगा जो जितनी मेहनत करता है जिस तरह हमारे कहा जाता है जैसी मेहनत करोगे तो फल मिलेगा या इसका ताल्लुक हमारी जो है वो अब जितनी नॉलेज गेन करते हैं हम देखते हैं कि ऐसे बड़े लोगों को अल्लाह ने नवाजा जिनके पास इल्म की साहितियत मौजूद है या ये लक है कि ऐसे अमीर घराने में पैदा हो गए कि ऐसा माल दौलत लेकर जो है हम उठे हैं तो ये ऐसी क्रिस्ट का जो कंसेप्ट है ये अमीर होने का इनमें से किसके साथ बेसिकली ये ताल्लुक रखता है इसके हवाले से थोड़ा सा बताइए इंसान हर जगह पर ये आयत को ऐसे लगाया जा रहा है कि जो जितनी कोशिश करेगा उसको उतना तो मिले मतलब वो इतनी सी बात समझ रहे कि अल्लाह ताला हर जगह पे कोई और बात करेंगे यहाँ पे आके उल्टी बात कर देंगे अल्लाह ताला कंफ्यूज तो करने की किताब थी अल्लाह ताला की नाव ये ये आयते दो दो तो तीन सीरियल की आयतें पढ़ें अल्लाह ताला ने कहा उस दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा और जो जितनी कोशिश करेगा उसको उतना ही मिलेगा उस दिन ओके। और हमने इस दिन लगा हाँ दिया तो फलसा बताया कि या ग्लोबल लेवल के ऊपर करता होना अल्लाह की शान है ग्लोबल लेवल में फिक्र ही ना करो सब सबका इंतजाम हो चुका तुम कुछ भी कर लो वो वाले मामला नहीं चेंज कर सकते जो अल्लाह ने अपने हाथ में रखे उनके थ्रुई रिज की तरसील हो रही है इससे वाटरफॉल मॉडल कहते हैं इसको कि सोर्स के ऊपर अल्लाह तला ने सारे के सारे मामला अपने हाथ में रखे हुए हैं बारिश नहीं होगी तो नहीं हो फसल नहीं होगी फसल नहीं होगी तो बिजनेस नहीं चलेगा फूड इंडस्ट्री नहीं चलेगी मतनी आत नहीं, नहीं होंगी फोकि हो हिम ताती हिम सब अल्लाह ताला ने कहा ये दोनों तरीके से ऊपर से भी नीचे से भी मैंने तुम्हें अगर प्रोविजन बंद कर दी ना जो मर्जी कर लो कुछ नहीं कर सकता साइंस को तो पता है इस बात का साइंटिस्ट जो होते हैं ना उनको पता होता है और अगर वो मुसलमान साइंटिस्ट है तो फिर तो बिल्कुल मोमिन हो जाते भैया दोनों ऐसी हैं जहां पे अभी तक इंसान जो है ना वो पॉइंट भी पहले नहीं कर सका इस मामले को हम आपको पता है चार सौ फुट तक गए हैं इस वाली डायरेक्ट अर्थ को हमने ओ, मतलब हमने तो खारिश भी नहीं की जमीन को हमने क्या तो चाहिए भी नहीं हमें क्या पता है क्या कोर हमने तो वो वाले खजाने अभी देखे भी ना ही हज़ार देख सकें जिस लेवल के हम बेवकूफ़ निकले हैं ये वाली ये वाली जो तरक्की हमारी साइंस को पकड़ के मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मुसलमान अगर नफसियात में अपने ऊपर रिस्क के मामला फेक्ट कर ले तो फिर मैंने आपसे कहा ना फिर मशीन किसी और वो भी वो मशीन चला ही नहीं सकता फलसफा बहुत आसान है ताल ने कहा कि तुम अपना स्कोप बढ़ाओगे तो फिर उस स्कोप के थ्रू जितनी बाल्टी बढ़ाओगे उसमें उतना आ, पानी आ जाएगा क्वाल्टी बढ़ाओ क्वाल्टी पानी की रिस्क की बात नहीं मैं कर रहा हूँ याद रखिएगा पर्पज़ अगर पैसा होगा तो एक फ़र्द की अपनी औकात इतनी नहीं है अपनी औकात एक जिसम की औकात इसकी सोच की औकात इतनी है कि मैंने अगर अपने लिए पैसा बनाना है मेरी एक्सपायरी आ जाएगी उस वक्त मैं बोर हो जाऊंगा उससे मेरी फुलफिलमेंट खत्म हो जाएगी ड्राइव से ड्राइव बोलते हैं ड्राइव धीरे हो जाएगी अगर मैंने दस लाख बंदों के लिए इंतजाम करने हैं तो मेरी ड्राइव का मैं आपको मुका मुवाना करके बता नहीं सकता हूँ कितना बड़ा डिफरेंशियल है कि अगर मैंने सौ बंदों के लिए भी इंतजाम करने हैं तो मेरी जो नेचुरल ड्राइव है ना वो उस उस उसका मुवजना ही नहीं मैं कर सकता केमिस्ट्री इतनी फर्क है उसकी और अगर आपने उम्मत का जिम्मा लेना है तो फिर तो आपको वैसे ना मैं का ना एक दफ़ा तो इंटरव्यू सुन रहा तो कहता है यार ये मुझे समझ नहीं आती इंसान एक सोर्स ऑफ इनकम से समझते हैं बिलीनियर हो जाएंगे बिलेनियर की तो बेसिक सेंस थी कि वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में जाए तस्वीर उल्टी देख रहे हैं मगर देख हुई तस्वीर रहे हो उसने भी कहा यार स्कोप बढ़ाओगे ठीक है तो आप, आपका इस्जाम बढ़ना शुरू हो जाएंगे क्यों उसको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को वो मुसलमान तो नहीं ना वो समझ नहीं रहा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का मतलब ये है कि तुमने आप पता नहीं पहले एक कंपनी के अंदर सौ बंदों के रिस्क के घराने का जो फैमिलीज़ थी उनका इंतजाम किया था अब तुमने मल्टीपल कंपनी खोली है तो लाखों घरानों को बच्चे पाल रहे हो और सर आपने बड़ा स्कोप बढ़ा लिया अल्लाह तलांत तो उन बंदों के की आपके थोड़ी कीमें इंसान को पैसा इकट्ठा करने का शौक है ना अल्लाह तक खिलाफ है और पैसे को पर्पल बनाएंगे थोड़ी इकट्ठा करना शुरू करेंगे अगर आपको पैसा खर्च करने के मस, मसारफ़ है ना मशरफ वो बढ़ाना शुरू कर दिया आपने लोगों के लिए तो आपका तरसील बढ़ शुरू की क्योंकि उनका इतना तो ला कहीं और किया हो ना वो अगर आपने अपना पाइप फिट कर लिया उस इंतज़ाम में तो फिर उस आपके थ्रू गुजरेगा नबी इस्लाम ने इसलिए बड़ा सिंपल क्रिस्प फार्मूला बता दिया था कि कन्फ्यूज हो ना होना रिस्क सिर्फ वो है जो तुमने खर्च किया वो न तेरा रिस्क ही नहीं हमने मगर देखने का शौक़ है हमें कि दीवार लदी हुई हो मेरे जब तिजोरी खोलूँ तो ऊपर तक थक थक पह तेरा रिस्क नहीं है वो खरी एक अंदर नफ्स का शौक है कि मेरे पास पावर है क्योंकि इस पावर को पैसे पावर को रिप्रेजेंट करते हैं मैं कुछ भी कर सकता हूँ खरीद सकता हूँ किसी को भी किसी चीज़ को भी हम लेकिन ये समझ रहे हैं कि तजोरी भर गई तो मैं ये अल्लाह ताला ने कहा तई सलील इंसान तकवा कहीं हेल्प आउट कर सकता है जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं वहीं तकिल्ला जाो मखरजा मिन होम ला या तो कुरान पाक में तो हम माइनस वन परसेंट में नौज़म्ल ऐसा नहीं शक का सकते कुरान का तो हर हर वादा सच है तो फिर आप समझते हैं कि ये भी गैब से गैब से सर मगर देखें अल्लाह ताला ने रिस्क को ना जिस तरीके से बताया उसकी नफसियात तो समझ लें अल्लाह ताला ने उस तमाम इंतज़ाम को रिस्क का है जो मेरे लिए किया गया है उसमें से बेश बार ऐसी परसेंटाइज मैं एग्जैक्ट कोट नहीं करना चाह रहा कोई भी नाइन्टी नाइन परसेंट कोई भी नाइन्टी एट परसेंट जिसके लिए पैसों की जरूरत नहीं है मैं और आप पैदा हुए पैसे नहीं लगे थे और समझे समझे हमारे मेरे बच्चे पैसे खरीद के तो नहीं लाया वो उनकी सेहत खरीद की खरीद तो नहीं हुई मैंने एक बच्चे को खुदा न खास्ता एक लेबर का ही मसला हो जाए घर बेचना पड़ जाएगा मुझे घर तो बेचना पड़ जाएगा जो पैसों की बातें करो ना मैं वो वन परसेंट मेरा ज़ीरो हो जाएगा जो नाइन्टी नाइन परसेंट का पूरा का पूरा इंतज़ाम चल रहा है ना कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ इधर आते हुए ये इंतजाम मेरे हाथ में नहीं है मेरा एक्सीडेंट होता गाड़ी गई थी पाँच सात लाख रुपये लग सकते थे क्या पता जान भी जा सकती थी उस मतलब ड्रेन पैसों को ही निकलता है मगर सस्टेनेंस और मेंटेनेंस बगैर पैसों की हो रही है अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है एक लड़ी भी ना करोड़ों की अरबों लड़ियाँ हुई मेरे ऊपर अरबों के भी खरबों लगेंगे इस वक्त उनमें से एक लड़ी भी अल्लाह ताला हिलाए ना तो मेरे यहाँ पर जो जितने भी छोटे छोटे हजारों लाखों किस्म के डॉलर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ वो ऐसे निकल जाने हम उस रिस्क को समझ नहीं रहे कि वो जो पूरा का पूरा इंतज़ाम है मेरे लिए वो है असल में जैसे अल्लाह इसको रिस्क कह रहे मेरी ब्यूटीफ मैं आपको कह रहा हूँ परम्यूटेशन जो है ना इसकी ट्रिलियन टू द पावर ऑफ ट्रिलियन से भी ज्यादा है कि मैं और आप इस वक्त इस जगह पे पाए गए और आराम से बातचीत कर रहे हैं करें एक आपको खाली एक सर दर्दी हो जाए ना अभी देख परफॉर्म करके दिखाएं कोई काम और सर दर्द की कॉल अभी तक साइंस को भी नहीं समझ आई कि हमें ये नहीं पता चलता है कि कौन सी नसें कहाँ से अचानक कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देते तो आप तो पॉइंट पर हम था कि रिस्क जब अल्लाह कहते हैं ना रिस्क तो अल्लाह अपनी शान में रह के रिस्क कहते हैं वो हमारे छोटे छोटे तिजोरियों के बारे में नाव हम ना अपनी सी तजोरी में अपने से छोटे डब्बे दब, में भी अल्लाह तला को गुजारने की कोशिश कर देते हैं सिर्फ पैसे सेहत ईमान ताकत फरासत जहानत मैं मतलब क्या लिस्ट बताऊं ये सारी की सारी तो मेरे लेवल की बातें हैं अल्लाह जब जबरीज का इस तो मतलब इस्तेमाल तो करेंगे तो मैं किताब लिखूंगा वो मेरे लेवल की किताब होगी जितने मर्जी कलाबाजियां लगाऊं होगी मेरे लेवल की अब अल्लाह ने किताब लिख है वो मेरे लेवल पे मैं अपने लेवल पे क्यों फिट कर रहा हूँ वो अल्लाह के लेवल अल्लाह कहते हैं ना रिस्क दे दूंगा। अब खुद सोचें बादशाह सलामत मैं तुझे गिफ्ट दूंगा और आपका मालिक है मैं आपको गिफ्ट दूंगा आप वो समझ गिफ्ट की जो स्कोप है ना वो फर्क है आप ये स्कोप समझे अल्लाह जब कहते हैं ना रिस्क का अल्लाह के स्टैंडर्ड का रिस्क अपने स्टैंडर्ड का सोच लिया तो अल्लाह तमाम तर मामला की बात कर रहे हैं कि जिसमें इसमें uh, मेरे वो इंतजाम भी हों जो मैं और मेरी औकात ही किया है जो मैं बताऊँ इंतजाम की कुल कुलहैत किया है ठीक है सो बिगर प्रॉब्लम